हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हॉलीडे है और हॉलीडे के दिन मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह हमारी स्टार्ट हो गई है। श्रव्या और श्रव्या के पापा उधर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं मेरा बाहर जाने के लिए, और यहाँ पे मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं पहले पूजा ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ वेजिटेबल लेने। तो फिलहाल जो है हम नीचे जाने वाले हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर, तो उनके लिए जो है हम वेजिटेबल लेने जाने वाले हैं कि कुछ स्पेशल बनाने के लिए। तो देखो हम जो है यहाँ लिफ्ट में, क्योंकि हम जो है 11th फ्लोर पे है ना, तो 11th फ्लोर से हमें फ्लोर 1 जाना है, तो हमें जो है लिफ्ट के थ्रू जाना रहता है। और श्रव्या भी बहुत खुश है, उसे तो घूमना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी के टाइम में जो है धूप का मज़ा लेना, आनंद लेना, ये तो बहुत अच्छा है। तो देखो ये हमारा जो है बेसमेंट है, बेसमेंट में जो है बहुत ही नॉइस रहता है, गाड़ी आते जाते रहती है ना, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतना शोर रहता है कि आपको जो है वॉइस सुनाई नहीं देगा, बैकग्राउंड ही सुनाई देगा। और ये है हमारा बस 10 मिनट बीबी इंस्टेंट, यहीं पर जो है हम अपना वेजिटेबल लेते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेबल रहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो आप देखो टमाटर जो है कितना फ्रेश है, और श्रव्या को भी बहुत पसंद है, ये प्लम है, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल की कोई कमी नहीं रहती है, आपको जो सा जैसा पसंद है आप ले सकते हैं। तो वैसे भी फ्रूट्स खाना तो सबको पसंद है, तो हमें जो लेना था वो है ये सुरन, ये हम लेंगे। और फिर देखो श्रव्या को ये कहाँ घूम रही है, मैं सोच रही थी कहाँ चली गई कहाँ चली गई, वो इधर घूम रही थी। 1 kg 1 kg हाँ, ये हम लोग को पसंद है। हाँ सर, अच्छा बनाएगा सर। हाँ, फिश जैसा बनता है ना। यहाँ पे जो है हम सुरन ले चुके हैं, और मेरे पति देव को लेने का मन था वाटरमेलन, तरबूज लेने का मन था, तो वो तरबूज ले रहे हैं। तरबूज लेने के बाद जो है हम अपना बिलिंग काउंटर पे जाएंगे और वहाँ पे बिलिंग कराएंगे। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे ब्लॉग पे मॉम एंड श्रव्या। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके मुझे बताइए। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज जो है हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। फिलहाल हम तो नीचे आ गए थे वेजिटेबल लेने के लिए, कुछ वेजिटेबल लेना था। आप सुरन जानते हो लोग, जिमी कांदा, और कुछ लोग यम बोलते हैं, बहुत सारे उसके नाम है लोगों के हिसाब से। तो फिलहाल हम जो है नहा वहाँ की धूप लेने आ गए थे। पीछे है श्रव्या, श्रव्या के पापा, वो लोग जो है धूप साइड जा रहे हैं धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंडी में धूप लेना बहुत अच्छा होता है। और ये देखो ये मेरा फेवरेट प्लेस, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जो है ना, मैंने सुरन का डिश पहले ही बना के डाल दिया है, तो आप भी ट्राई करना कैसे बनते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम सभी जो है धूप लेने के लिए बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। और ये जो है श्रव्या के बास्केट में देखो, हमने तरबूजा रख लिया, लेमन रख लिया है। और यहाँ पे हॉलीडे के दिन देखना कि सब अपने बच्चों को लेकर के नीचे आते हैं, ये मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे सबको धूप लेना रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भीड़ देख के तो मुझे और भी अच्छी लगता है, और श्रव्या को भी खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम जो है श्रव्या को थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा उसको धूप दिलाएंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में सब जो है अपने अपने बच्चे को ले करके आए हैं घूमने के लिए। पतिदेव कैसा लग रहा है धूप में आके? बहुत मस्त। चलो ऐसा तो है कि आप भी कवर हो जा रहे हैं, खाना मिल रहा है, अच्छा मतलब विटामिन डी मिल रहा है। जादू कितना अच्छे फूल खिला रहे हो, इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखो फूल, अरे ये तुलसी है, श्रव्य के पापा। तो यहाँ पे मुझे घूमते घूमते तुलसी का पौधा दिख जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं खोजती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम मॉर्निंग में उठ करके जल चढ़ाते हैं तुलसी जी में। तो यहाँ फूल को देखते देखते अचानक से मुझे तुलसी का पौधा दिख गया। पौधा दिखने के बाद उधर जो है बहुत सारा मुझे दिखा, तो हमने इसे छोड़ दिया, हमने सोचा कि इसके सीड्स ले चलते हैं। सीड्स ले जाने के बाद फिर वहाँ पर हम जो है अपने घर पर उगाएंगे, क्योंकि जल चढ़ाना ज़रूरी रहता है। और लो फाइनली हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है वो आने वाले हैं।
श्रव्या को तो घर जाना नहीं रहता है, तो अब हम जो है पहुंचने वाले हैं अपने घर में। तो यहाँ पे देखो किचन कैसे बिखरा हुआ है, अगर कुछ बनाने जाओ तो वैसे बहुत कुछ बन जाता है, पर किचन में जो है ऐसा बाजार फैल जाता है, पर फिर भी कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, चने की आलू की सब्जी बनाया है और सुरन बनाया है, चपाती और राइस दाल सैलड बनाया है। तो ये जो है दीप्ति है, मेरी फ्रेंड है, तो इन्हें हमने अपने घर पे बुलाया था घूमने के लिए। ये बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करती है, मेरे घर जब भी आती है कामों में लग जाती है। तो ये जो है सुरन की सब्जी, आपने ट्राई किया है? अगर ट्राई नहीं किया हो तो ट्राई करना, बहुत टेस्टी रहता है ये। यहाँ पे जो है सुरन की सब्जी देने के बाद चने की सब्जी मैंने रखा है, क्योंकि मैंने बैठा दी हूँ उन लोगों को खाने के लिए। तो फाइनली ऐसे करते करते हमारा दिन जो है बीत जाता है, और काफ़ी समय के बाद हम जो है इनसे मिले थे, तो मिल करके जो है काफ़ी अच्छा लगा। इनकी एक बेटी है जिसका नाम धृति है। तो देखो यहाँ पे जो है हम सर्व कर रहे हैं, फाइनली जो है मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड कट करते करते हम जो है अपनी बातें कर रहे हैं, और बातें क्या हो सकती है, ससुराल की बातें या सास बहू की बातें। तो यहाँ पे जो है इनको जो है बैठा दिया है खाने के लिए, और ये जो है अपना भोजन का इंजॉय कर रहे हैं, और हम जो है उधर बातें करने में लगे हुए थे। तो देखो इन्हें जो है खाने देते हैं, और मैं बेटी को दे देती हूँ और खाने के लिए। मैं किचन में रोटी बनाते बनाते सोचा कि थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये है दीप्ति की बेटी धृति, जो कि बहुत ही क्यूट सी है। अब इन्हें खाना खिलाने वाले हैं, और बच्चों को तो जानते हो इधर उधर भागते रहते हैं, तो बस उनकी मम्मी जो है उनको पकड़ के जो है खाना खिलाने वाली है। वैसे ही ऐसा हेलो तो ये था आज का हमारा मेन्यू। प्लेन दाल थी, यम की सब्जी थी, आलू चने की सब्जी थी, अचार, सैलेड, रोटी, और फिर जो है ज़ीरा राइस था। तो यही हमने बनाया था, क्योंकि इतने ही बनाते बनाते हमें टाइम लग गया था। अब जितना भी जल्दी करो, दिन छोटा है ना ठंडी के टाइम बाद, जितना जल्दी करो उतनी जल्दी फिनिश नहीं होता है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए। मैं ले हूँ, वो लोग पहले ही चले गए हैं। तो मुझे घर का लॉक ऑफ करना था, बच्चे के लिए पानी लेना था, इसलिए जो मैं अभी थोड़ी लेट में जा रही हूँ, ज्यादा लेट नहीं है, थोड़ी लेट हुआ है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो देखते हैं कहाँ पे उन्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वैसे मोबाइल है, मोबाइल में कॉल करके पूछेंगे कहाँ पे। तो बस आज का दिन ऐसे जा रहा है, चलो चलो मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं नीचे ग्राउंड एरिया में, जहाँ पे जो है यहाँ पे मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है। तो मैं यहाँ पे बस दीप्ति से बात ही कर रही थी कि देखो अगर दो लेडीज आपस में बात करती है तो बोलते हैं चुगली कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो अगर दो जेंट्स आपस में बात करें तो डिस्कशन कहलाता है, वहाँ चुगली नहीं कहलाता। तो वही सुन करके जो है दीप्ति हंस रही थी। तो मैंने सही कहा ना कि हम बात करें, चार लेडीज अगर बात करें तो वहाँ चुगली करना, और अगर जेंट्स बात करें तो वहाँ क्या, आप ही बताओ, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके बताना, देखो क्या सीरियसली डिस्कशन हो रहा है इन लोगों का। अरे चलो बेटा चलो, नहीं तुम मत खींचो, लगी वो। तो साड़ी पहन फोटो लेना है ना, मेरे पास बहुत सारा साड़ी है। हाँ। कभी कभी पहन के फोटो ले लो, तो चलो आना साड़ी लेकर के यही, क्योंकि लोकेशन यही है ना, ये लोकेशन अच्छा है। हाँ। लेकिन सावन मावन में बहुत सारा लेके आ जाऊंगी। हाँ। है ना सब, हाँ। हम पहुंच गए हैं प्ले ग्राउंड एरिया में, यहाँ ये बच्चों का फेवरेट प्लेस है, उनको स्लाइडिंग करने के लिए, झूला झूलने के लिए सब कुछ मिल जाता है। तो मेरी बेटी का ये तो है फेवरेट प्लेस, और धृति को भी स्लाइडिंग करना बहुत पसंद है। तो हम बच्चों को ले आए हैं ताकि वो यहाँ पे इंजॉय कर ले थोड़ा, तो इन्हें जो है हम इंजॉय करने देते हैं। धृति आई जाने वाले।
वहाँ बना हुआ फाउंटेन। हाँ फाउंटेन ही बना रहे हैं देखो। तो यहाँ पे जो है हम बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। तो फाइनली हम जो है कैपिटल में जाने वाले हैं और श्रव्या उधर दौड़ कर जो है स्विमिंग पूल पे जा रही है, तो उसके पापा जो है उसे पकड़ने गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया और दीप्ति लुंग आए वो हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसी तरह वो आते रहे। और पीछे देखो वहाँ बच्चे जो है कराटे सीख रहे हैं, तो इस अपार्टमेंट का बहुत अच्छी बात है। फोर फाइव सिक्स एट नाइन टाटा बेबे बाय कर दो, बाय। देखो धृति को बाय बोल दो। तो काफी शाम हो चुका था और फिर मैं तो बोल रही थी कि आज आप लोग रुक जाओ, पर नहीं रुके क्योंकि बेटी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहा था। तो ये वहाँ अपने घर चले गए। तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।